दोस्तों, अपना राशिफल जानने से पहले वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आप तक हर रोज नए नए ज्योतिष वास्तु टिप्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। बीच में विराजमान है राजस्थान व पंजाब के मुख्य ज्योतिष आचार्य व वास्तु शास्त्री पंडित रोहित शर्मा। दोस्तों, चर्चा चल रही है राशिफल के बारे में, अब बारी है मिथुन राशि की। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पंडित जी आपकी राशि के अनुसार यानी कि मिथुन राशि के अनुसार कुछ लाल किताब के उपाय बताएंगे। ये सरल व अचूक उपाय करने से आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी, धन सम्पदा की वृद्धि होगी। पंडित रोहित शर्मा, सबसे पहले पंडित जी बताइए कि व्यापार के लिए मिथुन राशि का ये समय कैसा रहेगा? जी देखिए, फरवरी माह जो है मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार के लिए थोड़ा परेशानी वाला चलने वाला है। प्रथम दो सप्ताह में थोड़ा उनको कष्ट रहेगा, जैसे कि जो उनको पिछली जो पेमेंट्स वगैरह थी उनकी रुकी हुई अभी भी रुकी रहेंगी, लेकिन जो अंतिम सप्ताह है उनके अंदर व्यापार काफी अच्छा चलेगा। जिन लोगों का चलायमान व्यापार है यानी कि चलता व्यापार है, हर रोज जो कि ट्रेवलिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा जाएगा बुध का जो व्यापार होता है। लेकिन जो लोग स्टेबल करते हैं, एक जगह रुक के व्यापार करते हैं, उनके लिए थोड़ा ये समय विपरीत है, थोड़ा ध्यान रखें आर्थिक मामलों में। पंडित जी, व्यापार के लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, व्यापार के लिए एक ही उपाय मैं इनको बताऊंगा और अचूक उपाय बताऊंगा। आपने करना क्या है कि हर रोज 2 केले अगर हल्दी लगा के गाय को खिलाएंगे तो आपका पूरा माह बहुत अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा इनका? मिथुन राशि का स्वास्थ्य वैसे तो अच्छा है, लेकिन जो लोग थोड़े एज्ड हैं, जैसे कि 50 से ऊपर के हैं, उनके लिए थोड़ा समय थोड़ा विपरीत जाएगा। थोड़ा ध्यान रखें, ब्लड से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि रक्त प्रवाह या बीपी की समस्या, या महिलाओं को थोड़ी समस्या रह सकती है, तो पेट से संबंधित समस्या रह सकती है। बाकी स्वास्थ्य जो है उनका आने वाले समय में उत्तम रहेगा। पंडित जी, जो नौकरी करते हैं, राज नौकरी सरकारी नौकरी करते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सरकारी नौकरी वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग मिथुन राशि के सरकारी जॉब में हैं, उनके लिए थोड़ा समय विपरीत चल रहा है। उन पर कुछ ऐसा जो है लांछन लग सकता है, या कार्य करते समय जो है अपने साथी के साथ व्यवहार जो है अच्छा रखें, बोलचाल अच्छा रखे, नहीं तो उनकी आने वाले समय में थोड़ी तकरार की संभावना बन रही है। पूरा माह इस चीज का ध्यान रखें, लेकिन अंतिम जो एक हफ्ता है उनका, वो काफी अच्छा गुजरेगा, लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा रहेगा। और बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए मैं विशेष बताना चाहता हूँ कि छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय है ये आने वाला समय, और पूरा माह उनके लिए स्फूर्ति बना रहेगा, उत्साह से कार्य करेंगे। जो लोग बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें उनकी जो है, जो लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, सीटिंग ज्यादा देते हैं, उनकी जो है आईज, जो आंखों में समस्या आने की है या सरदर्द रहने की संभावना है, उनके लिए एक विशेष उपाय बताता हूँ। हर रोज सुबह उठ के सूर्य को जल दें, और साथ में काले चने अगर रात को भिगोएं और सुबह गाय को खिलाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध यानी कि या तो पति पत्नी में, या जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनकी शादी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रेम संबंध जो है बहुत अच्छे रहने वाले हैं, वैसे तो पति पत्नी के संबंध तो बहुत ही अच्छे हैं इस माह, लेकिन जिन लोगों का रिश्ता हुआ है या आपस में जो प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि इसमें हमारा जो है विवाह हो जाए, उनके लिए ये समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, इसको थोड़ा डिले करें। मार्च और अप्रैल के बाद समय अच्छा आएगा, तब इस पर विचार करें, अभी इसको थोड़ा स्थगित करें। यात्रा के लिए मिथुन राशि वाले, यात्रा के लिए जो लोग व्यापारिक यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग चाहते हैं कि हम घूमने फिरने के लिए जाएं या मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, वो जरा यात्रा में अपने वाहन का थोड़ा ध्यान रखें, चलाते समय मस्ती ना करें,
सीरियस होके थोड़ा कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी दुर्घटना की संभावना बन रही है। तो दोस्तों ये थे पंडित जी के राशिफल मिथुन राशि के बारे में। अगर आप पंडित जी से डायरेक्ट मुलाकात करना चाहते हैं तो पंडित जी महीने की शुरुआत में बठिंडा में मिलते हैं और महीने के अंत में यानी कि पिछले 10 दिन राजस्थान के श्री गंगानगर में मिलते हैं। धन्यवाद।